हेलो एवरीवन अ वेरी वॉम वेलकम टू आई एस ओ और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक व्हिच इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकअप एन क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए मैं फर्दर वीडियोज में एन ही बोलूंगी ओके सो लेट्स मूव फादर सो देखिए आखिर एन न्यूज में क्यों आया है तो रिसेंटली जो है कोप सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबमिट हुई है जो हुई नहीं है होने वाली है अप्रोचेस सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 21 टू नवंबर 1 2024 तो इसमें यह बताया गया है इसमें यह ऐसी जजमेंट्स हैं कि 10 परसेंट कंट्रीज ही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने इस ट्रैकर के हिसाब से बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में काम किया है अब आपको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या है तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं दैट वी कॉल एस अडाइवर्सिटी ओके सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टॉक्स टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो यह सबमिट जो है वो अभी फ्यूचर में कंडक्ट होने वाली है यह आप कटआउट देख सकते हैं ओनली टेन परसेंट ऑफ नेशन फुलफिल देयर बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट अहेड ऑफ कोप सिक्सटीन रिवील्स एनबीएसएपी ट्रैकर ओके सो बेसिकली एनबीएसएपी क्या है तो ये ट्रैकर जो है वो एक तरीके का ब्लू प्रिंट है एक तरीके का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो आपको बताएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम किया है काम किया है आपने बायोडाइवर्सिटी को सेव किया है कि नहीं किया है अगर नहीं किया है तो आप इस ट्रैकर में बहुत ही ज्यादा लो पोजिशन पे चले जाते हैं ओके सो एनबीएस क्रूशल ब्लू प्रिंट फॉर कंट्रीज टू आउटलाइन दिस स्ट्रैटेजी To tackle biodiversity loss and meet international targets. Now, what do you mean by international targets? So, as we are living in the Paris climate kind of era, okay. So, अभी Paris जो climate treaty है, वो हम अभी सब follow कर रहे हैं, जिसमें हमें SDGs, sustainable development goals जो हैं, वो running हैं, जो हमको 2030s सारे ही countries को एक, उनको एक टारगेट uh, दिया गया है कि उनको सारे एस को कंप्लीट करना है अचीव करना है टिल 2030 थर्टी ईयर अप्रोचेस सो उसी को लेके हम इंटरनेशनल टारगेट्स की बात कर रहे हैं फर्दर उसमें 17 गोल्स हैं हर एक गोल का जो है वो डिफरेंट तरीके का जो है वो एस्पेक्ट है ओके ओके दीज प्लान आर एम्ड एट इंश्योरिंग दैट नेशंस कैन मोबिलाइज एक्शंस एंड फंडिंग टू हेल्प रीस्टोर इकोसिस्टम एंड सेव गार्ड वाइल्ड लाइफ तो किस तरीके से एनबीएसएपी जो बता रहा है कि आपकी वाइल्ड लाइफ जो है आपको कंजर्व करनी है आपको प्लांट्स और एनिमल्स की देखरेख करनी है ओके ओके नेक्स्ट वी एस ए पी इंक्लूड्स तो एनबीएसएपी जो ट्रैकर है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव या फिर आप बोल सकते हो क्या क्या उसके इंटरफेस हैं उसके की पॉइंट हैं उसके कॉर्नर स्टोन हैं जो आपको इस ट्रैकर को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी ट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज अमेरिका इज हैविंग आज वाई बिकॉज एवरी कंट्री इज इकोनॉमिकली डिफरेंट फ्रॉम इच अदर तो उनके हिसाब से उनका कितना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में रेवेन्यू है कितना वो फंडिंग दे रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो एनवायरमेंटल अथॉरिटीज काम करती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्रीज विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी ब्रॉड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर ओके नेक्स्ट एक्शन प्लान व्हाट इज योर फर्दर एक्शन प्लान फॉर फ्यूचर किस तरीके से आप 2030 तक जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम नॉन रिन्यूबल रिसोर्सेस पे स्विच करने वाले हैं हम कोल का जो

टारगेट्स वॉट वॉट आर योर टारगेट्स क्या आप अचीव करने वाले हो फ्यूचर में अगर आपने सोचा है कि भाई हम पूरे तरीके से नो कार्बन पॉलिसी फॉलो करेंगे तो वो इंडिया के कंटेक्स में अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी आर डेवलपिंग इन नेचर वी आर नॉट येट डेवलप्ड सो हमको जो है वो अचीव करने में अभी टाइम लगेगा इसलिए नेट नो कार्बन जो पॉलिसी है वो आई थिंक ट्वेंटी सेवेंटी तक का गोल रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ओके एम्बिशिय बट रियलिस्टिक ओके रियलिस्टिक होना चाहिए अब देखो हम जो है अभी कोल कंज्यूमिंग कंट्री है अगर हम अभी से कर दें कि ठीक है हम तो 2030 तक कैन फॉलो दैट मेजर्स फॉर फ्यूचर अगर वो हम कर भी रहे हैं तो हमें किस तरीके से हमारी हो रही है? हमें अपनी इकॉनमी को भी लेकर चलना है ठीक है बिकॉज वी आर डेवलपिंग नॉट डेवलप्ड ओके नेक्स्ट ओके okay, तो ये जो एनबीएसएपी है ट्रैकर जो है वो लेकर कौन आता है तो देखिए एक बॉडी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एनवायरमेंट में आप सबने इस बॉडी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये बॉडी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है सो दिस हैज क्रिएटेड द नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर ओके अब देखो अब ये टूल के बारे में तो हमने काफी पढ़ लिया एक बार और देख लेते हैं इट हेल्प मॉनिटर हाउ वेल कंट्रीज आर डेवलपिंग प्लान टू फॉलो द गोल्स ओके द फॉलो द गोल्स सेट बाय द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो बॉडी है जो आप बोलोगे जो मेन बॉडी है जो पेरेंट बॉडी है वो है जीबीएफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी आप बोल सकते रेगुलेशन आते हैं गाइडलाइंस आती है कोई भी किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल आएगा फ्रेमवर्क आएगा या ट्रैकर है वो इसके अंदर ही काम करेगा ओके okay? ओके वाई एन बी एस ए पी आर इंपॉर्टेंट सो आप देख रहे हो कि हमारे वीडियोज में मोस्टली आपको द डेफिनेशन नीड वाई दे आर इंपॉर्टेंट व्हाट आर द की पॉइंट्स दीज थिंग्स ऑल दी आस्पेक्ट आर कवर्ड इन वन वीडियो ओके इट इज अ वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो कि आपको पता चले कि ओके okay, ये ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है तो बेसिक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडन हो ओके सो लेट्स मूव टू आर क्वेश्चन वाई दीज आर इंपॉर्टेंट तो देखिए इम्पॉर्टेंट तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इट इज गोइंग इट इज डिग्रेडिंग डे बाई डे सो डेफिनेटली वी नीड टू कंजर्व इट वी नीड टू सेव इट अगर हम बायोडाइवर्सिटी को सेव नहीं करेंगे प्लांट्स को सेव नहीं करेंगे एनिमल्स को सेव नहीं करेंगे तो फर्दर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा फूड चेन को रन करना इकोसिस्टम को मेंटेन करना तो इन सब चीजों में बैलेंस बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके उसके लिए आपको ये एनबीएसएपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ओके वाई द इंपोर्टेंट बिकॉज दे ले आउट नेशनल स्ट्रैटेजीज

डाउन इकोनॉमी है तो हर किसी कंट्री को करना है बट अपने ही पेस पे उनको मूव करना है ओके दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओके सो मेकिंग देम लेस इफेक्टिव ऑफ कोर्स ठीक है देयर आर सम पॉजिटिव साइंस एज वेल मोर सिविल सोसाइटी इंडिजीनियस ग्रुप्स एंड लोकल कम्युनिटीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन मेकिंग दीज

जब ज्यादा कम्युनिटी community... होगा जब ज्यादा लोग आकर बायोडाइवर्सिटी या फिर में मदद करेंगे तो हमारे इन कंट्री के लिए ही अच्छा होगा राइट ऐसा नहीं है लेवल पे जो भी कर सकते हैं आई थिंक वी शुड डू फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ओके दिस इज इट फॉर टूडेज गाइस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो से रिलेटेड सो टिल प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल स्टेट यून टू आई एस जिन थैंक यू जय हिंद जय भारत